दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों अगर आप ये चीजें खरीदते हैं तो एक पोस्ट के मुताबिक आप बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और हाँ चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। दोस्तों धनतेरस के दिन धनवंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन नई चीजों को खरीदना काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में इस अवसर पर लोग सोने चांदी बर्तनों से लेकर वाहनों की जमकर खरीदारी करते हैं। वहीं दोस्तों आज के समय जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में कई लोगों के लिए महंगी वस्तुओं को खरीदना काफी मुश्किल काम हो गया है। वहीं कई चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें धनतेरस के अवसर पर भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों इन चीजों को धनतेरस के मौके पर खरीदना अशुभ माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक इन चीजों को धनतेरस के अवसर पर खरीदने से नुकसान काफी बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं कौन सी है वो चीजें। दोस्तों इसमें पहला पॉइंट है लोहे की वस्तुएं। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक लोहे को शनिदेव का कारक माना गया है। ऐसे में धनतेरस के मौके पर लोहे से बनी चीजों को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। लोहे की चीजें खरीदने पर धन कुबेर की कृपा आपके ऊपर नहीं पड़ती है। दूसरा है नुकीली और धारदार चीजें। दोस्तों धनतेरस के दिन आपको चाकू, पिन, सुई जैसी नुकीली और धारदार चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के अवसर पर इन्हें खरीदना अशुभ माना गया है। तीसरा पॉइंट है स्टील से बनी चीजों को खरीदने से बचें। दोस्तों धनतेरस के दिन लोग अपने घरों में स्टील से बनी चीजों को खरीद कर लाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्टील एक शुद्ध धातु नहीं है। मान्यताओं के अनुसार इस पर राहु का प्रभाव ज्यादा रहता है। धनतेरस के अवसर पर आप प्राकृतिक धातुओं की खरीदारी कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है एल्यूमिनियम। दोस्तों कई बार लोग धनतेरस के मौके पर एल्यूमिनियम से बने सामानों को भी खरीदते हैं। आपको इस धातु से बने सामानों को खरीदने से बचना चाहिए। इस धातु को दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता है, और धनतेरस के मौके पर लोग इन चीज़ों को खरीद कर लेके आते हैं और बहुत ही शौक से और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग खरीदते हैं। तो दोस्तों एक वीडियो के मुताबिक, एक पोस्ट के मुताबिक हमने आपको ये जानकारी दी। वीडियो की जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हाँ इसके प्रति आपके क्या विचार हैं आप ज़रूर बताइए। बाकी चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।